हेलो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम बात किया था कि आप यूनो एसबीआई जो मोबाइल ऐप है वो इस्तेमाल करके कैसे रिकरिंग डिपॉजिट ओपन कर सकते हैं। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन खोला हुआ जो रिकरिंग डिपॉजिट है एसबीआई का, तो उसे कैसे क्लोज कर सकते हैं वो भी यूनो एसबीआई को इस्तेमाल करके। अगर आप जानना चाहते हैं तो बने रहिए इस वीडियो में आखिर तक, हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रणव, पर स्वागत है आपको डीजी वॉक लाइव यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इसके लिए पहले हम यूनो एसबीआई मोबाइल ऐप में लॉगिन हो जाएंगे और आगे का प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हम अपना मोबाइल के स्क्रीन पे आ गया है। यहाँ पे यूनो एसबीआई जो मोबाइल ऐप है वो ओपन कर लेंगे। और जैसे ही यूनो एसबीआई मोबाइल ऐप ओपन हो जाएंगे, अपना एम पिन डाल के अकाउंट में लॉगिन हो जाएंगे। अभी आप देख सकते हैं हम अपना अकाउंट में लॉगिन हो चुका हूँ। यहाँ पर डिपॉजिट्स का एक ऑप्शन मिलेगा, उसके ऊपर टैप कीजिए। जैसे डिपॉजिट्स के ऊपर टैप करेंगे, आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है माय डिपॉजिट्स, डिपॉजिट कैलकुलेटर, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट। हम रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। जैसे रिकरिंग डिपॉजिट्स के ऊपर क्लिक करेंगे, अपना जो रिकरिंग डिपॉजिट्स ऑलरेडी यहाँ पे है तो वो दिखाई देगा, उसके ऊपर टैप करेंगे। जैसे उसके ऊपर टैप करेंगे, आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट है उसका डिटेल्स यहाँ पर दिखाई देगा। आपको ये क्लोज करना है। अगर आपने यहाँ पे क्लोज करेंगे, एक बात ध्यान दीजिएगा, अगर आपने कोई इंटरेस्ट कमाया है अभी तक तो उस इंटरेस्ट के ऊपर 1% इंटरेस्ट कम मिलेगा। अभी फ़िलहाल मैं अभी खोला था ये रिकरिंग डिपॉजिट, लेकिन मुझे इसे चालू नहीं रखना है तो इसलिए क्लोज करने जा रहा हूँ। इसका कोई इंटरेस्ट अभी तक मिला नहीं, इसलिए क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर डायरेक्ट मैं क्लिक कर दूँगा और मेरा कोई पैसा यहाँ पर नहीं काटेगा। अभी क्लोज रिकरिंग डिपॉजिट के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। तो आर यू श्योर यू वांट टू क्लोज योर रिकरिंग डिपॉजिट, आपको पूछा जा रहा है कॉन्फर्मेशन, आप श्योर हो इसे क्लोज करने के लिए? हाँ भाई, ओके। ओके के ऊपर आप टैप कर देंगे तो फिर यहाँ पे आई हैव रीड एंड एग्रीड टू द टर्म्स एंड कंडीशन ये पूछ रहा है। देखिए यहाँ पे देख सकते हैं पेनल्टी मेरे को कुछ नहीं लग रहा है, और अगर आपको पेनल्टी लगता होता कितना परसेंट का वहाँ पर दिखाई देता, तो अभी पेनल्टी यहाँ पर कुछ नहीं लग रहा है। जितना अमाउंट था उतना वापस हो जाएगा। तो आई हैव रीड टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर क्लिक करके कन्फर्म बटन के ऊपर क्लिक कर दीजिए। एक ओटीपी आपका रजिस्टर्ड मोबाइल में चला जाएगा, वो यहाँ पे डाल दीजिए। जो ओटीपी मोबाइल में आया था यहाँ पे डाल चुका हूँ, फिर नेक्स्ट बटन के ऊपर क्लिक कर देंगे। देखिए आपका जो रिकरिंग डिपॉजिट है सक्सेसफुली क्लोज हो चुका है, आपका जो अमाउंट होगा अपना सेविंग बैंक अकाउंट में वापस आ जाएगा। दोस्तों, इसी तरीके से यूनो एसबीआई से ऑनलाइन किया हुआ रिकरिंग डिपॉजिट को आप क्लोज कर सकते हैं। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आए होंगे। कैसे आप यूनो एसबीआई में ऑनलाइन ओपन किया हुआ रिकरिंग डिपॉजिट को क्लोज कर सकते हैं उसके बारे में पता चल गया होंगे। अगर ये वीडियो पसंद आया, वीडियो को कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दोस्तों इजाज़त दीजिए, नमस्कार।